कोलकाता में 151 साल पुरानी ट्राम का सफर अब खत्म हो जाएगा। ये विरासत प्रेमियों के लिए एक निराश करने वाली खबर है। पश्चिम बंगाल सरकार के परिवहन मंत्री स्नेहा शीश चक्रवर्ती ने घोषणा की है कि कोलकाता की प्रतिष्ठित ट्राम जल्द ही बंद कर दी जाएगी और उन्होंने कहा कि ट्रैफिक जाम के चलते ये निर्णय लिया गया है। ये सेवा कोलकाता में साल 1873 से चल रही है। तो आइए जानते हैं कि भारत की पहली और एशिया की एकमात्र ट्राम सेवा शुरू कब हुई। 19वीं सदी के मध्य में कोलकाता एक तेजी से बढ़ता हुआ शहर था। शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए एक ऐसे परिवहन के साधन की आवश्यकता महसूस की गई जो सस्ता और सुविधाजनक हो। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 1873 में कोलकाता में पहली ट्राम सेवा शुरू की गई। सबसे पहले ये हाथ से खींची जाने वाली ट्राम थी और धीरे धीरे इसे घोड़े से खींचा जाने लगा। बाद में इसे बिजली से चलाया जाने लगा। कोलकाता की ट्राम न सिर्फ शहर की यातायात व्यवस्था का एक अहम हिस्सा थी बल्कि शहर की संस्कृति और पहचान का भी एक अंग रही थी। हालांकि बढ़ते शहरीकरण की वजह से ट्राम सेवा धीरे धीरे कमजोर होती गई। मेट्रो, बस और ऑटो रिक्शा जैसे आधुनिक परिवहन के साधनों के आगमन से ट्राम की लोकप्रियता कम हो गई। वहीं शहर में बढ़ती यातायात की भीड़ भाड़ के कारण ट्राम का संचालन मुश्किल हो गया है। ट्राम लाइनों की मेंटेनेंस का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया है। साथ ही ट्राम सेवा का संचालन भी काफी महंगा है। वहीं अब परिवहन मंत्री स्नेहा शीश चक्रवर्ती ने ट्राम को बंद करने का फैसला लेते हुए कहा कि महानगरों में सबसे कम सड़क क्षेत्र होने के बावजूद कोलकाता पुलिस ने व्यस्त समय के दौरान भी ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखा। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों को यातायात जाम के कारण व्यस्त समय में अपने कार्यालय पहुंचने में देरी ना हो, इसके लिए हमें कुछ कठिन कदम उठाने होंगे जिसमें ट्राम सेवाओं को हटाना भी शामिल है। मतलब साफ है कि कोलकाता में ट्राम का सफर यहीं तक था। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।